जी वोट किसी को नहीं देना, वो किसी को नहीं देना वजह सारे वोट नवाज शरीफ सर ओदी वजह बस वो बंदा साथ है। मैं न्यूट्रल अंपायर। न्यूट्रल है कौन से वाले, वो वाले कि दूसरे वाले? नहीं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शबीर। और नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूं शहर लाहौर के हलका PP 158 में, जहां से 2018 के बाई इलेक्शंस में अब्दुल अलीम खान ने विन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, लेकिन उसके बाद वो मुनहरिफ अरकान में शामिल हो गए। दोबारा से फिर इस हलके में इलेक्शन अनाउंस हुआ। इस मरतबा इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट हैं मियाँ अकरम उस्मान, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एहसन शराफत साहब को टिकट दिया गया है, अब्दुल अलीम खान को नहीं दिया गया। इसकी पता नहीं क्या वजह है। अलबत्ता अब्दुल अलीम खान के जो दाएं हाथ थे शुएब सदीकी, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। इस हलके की आवाम से पूछते हैं किसे वोट देंगे, किसे जिताएंगे, किसका साथ देंगे या वोट नहीं देंगे। आइए चलिए, वही हलका है जहाँ से 2018 में अलीम खान ने विन किया था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत सर, वोट PTI का, नून लीग का? यार हम क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी हो गई है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं। नहीं वोट तो आपने डालना है ना, किसे डालेंगे? 17 जुलाई तो अभी तो खान साहब को डालेंगे फिर आप? खान साहब, उसकी कोई वजह? उसकी वजह वो बंदा बड़ा अच्छा है। हाँ चलें जी आगे चलते हैं, वो बड़ा बंदा बड़ा गुड है खान साहब ने कहा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वोट? वोट अल्लाह के रसूल का है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, कोई वजह? उसकी वजह ये कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। ये इन्होंने क्या देना हमें? हमने दीन इस्लाम है, इसलिए लब्बैक या रसूलल्लाह का वोट डालेंगे। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं, देखना ये है कि कौन जीत पाता है 17 जुलाई को, कौन जो है हारता है। मजीद लोगों से बात करते हैं। सर जी वोट किसी को नहीं देना, वो किसी को नहीं देना वजह सारे लानती लें जी, जो उन्होंने कहा हुआ है रिपीट तो नहीं कर सकता। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वोट जी PTI का, नून लीग का? अभी देखेंगे यार, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। नहीं एक होता है ना तुक्का, 2018 में किसे दिया था? 2018 पे PTI को दिया, वोट नवाज शरीफ। हाँ सर ओदी वजह? वजह बस वो बंदा साथ है। सर जी तुसी? मैं न्यूट्रल अंपायर। न्यूट्रल है कौन से वाले, वो वाले कि दूसरे वाले? नहीं जी भाई साहब न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल पे हम ज्यादा बहस तो कर नहीं सकते। चाचू जी वोट PTI को। वजह आपके सामने ही सारी वजह, हर चीज़ तो महंगी डबल कर दी उन्होंने आगे से। 2018 को किसे? ओ नून लीग को। जी भाई कहते हैं आपके सामने वजह, वजह बिल के पूरे पाकिस्तान के सामने है, 3 महीने में जितनी महंगाई हुई है। भाई जान वोट? वोट नवाज शरीफ नहीं देंगे इंशाल्लाह जी। वजह? वजह की वो दौर से चीज़ सस्ती थी, जो है डबल चीज हो गई हर चीज़। 3 महीने में देखा जाए तो महंगाई ज़्यादा बढ़ी। वो तो उन्हें कराई है तो वो खलौंदी तो नहीं ना चलती कहते हैं। वो हुकूमत में था तो महंगाई उसने कराई थी, मैं हुकूमत में नहीं है तो फिर भी उसी ने करवाई। मेरे जी दाएं जाने बाजार है, इसमें जाते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। भाई जान वोट किसी का भी नहीं। आए सर जी वोट किसे देंगे? सर जी किसे? शेर। उसकी वजह? आओ जी आप किसे दे? बड़ी लंबाई का लेन, लंबाई का लेन, ओदी वजह? ओदी बड़ी वजह लंबी लंबे पैग सुनाने वाली वजह। फिर भी थोड़ी जी सुना दे। बस ये सरकार ना प्यार कर देने, सरकार ना प्यार कर देने तो उन्होंने वोट पावांगे। तो जी हमें यहाँ PTI के भी मिल रहे हैं, नून लीग के भी मिल रहे हैं, न्यूट्रल्स भी मिल रहे हैं, और किसी को ना देने वाले। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। इसी हलका से आप जी? कड़ी शो से ही। अंकल जी वोट किसे देंगे 17 जुलाई को? जी मैं तो अपने हम नवाज इस्लामी से मेरा तल्लक है, नवाज इस्लामी का जो कैंडिडेट है उनको वोट देंगे। आए जी मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। इसी हलका से? हाँ जी इसी हलके से। 17 जुलाई को वोट किसे कास्ट? PTI को। उसकी वजह? उसकी वजह ये है इनको 1012 जमाया इन लोगों को, ये वही इनके पुराने अरबे हैं, चोर बाजारी बस इन्होंने लगाई है और कुछ नहीं है, जो चलता आ रहा है पीछे। वही ना भाई जान आप? इंशाल्लाह PTI। इमरान अंकल जी आप? PTI। आपकी जान भाई हमारे व्यूवर्स के लिए भी हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है PTI को देने की वजह। बेटा वो बता दिए बच्चा है, उन्होंने जो वजह बताई वही मेरी है। वही वजह है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। इसी हलके से आप जी? सर वोट किसे देंगे? लब्बैक या रसूलल्लाह। सर उसकी वजह?
हम अहले सुन्नत वल जमात है, वो सारे काफर के काफर हैं, सारे मुल्क के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। चलें जी, ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया सर जी। आप इसी हल्के से हैं जी? सर वोट नून लीग। नून लीग सर, उसकी वजह? वजह नहीं पूछनी, नून लीग जिंदाबाद। वजह नहीं पूछनी, बस नून लीग जिंदाबाद जी। भाई जान आप पीटीआई? पीटीआई सर, उसकी वजह? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, लेकिन वजह नहीं बताएंगे, काम नहीं बताएंगे, क्या वजह? भाई जान वोट इमरान खान। वजह? बस नवाज शरीफ ने महंगाई इतनी कर दी आगे तो क्या, क्या महंगाई हुई है? आप तो दुकानदार हैं, हर चीज़ में महंगाई हुई है, देख लें आपके सामने ही है, कारोबार है कोई नहीं। जैसे खान की बात आई थी इमरान खान जी, भाईजान किसे? भाईजान हमें पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें नया पाकिस्तान चाहिए। आपकी मेहरबानी के शबाश ने जो हमें वक्त दिया, सारी ज़िंदगी साथ नहीं भूलेंगे, बस ये हम कहना चाहते हैं। आप क्योंकि एक मजदूर तबके हैं, आप बताएं क्या क्या महंगाई हुई है, क्या सरात महंगी है? भाई पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी होगी। गाहक को पैसे मांगते हैं, गाहक कहते हैं भाई पिछली दफा इतने पैसे देंगे, आप इतने मांग रहे हो, ये बात जी। अंकल जी पीटीआई को दें। पीटीआई सर कोई वजह आपके सामने? वजह यार, चोर डाकू अमन पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, और ये ऐसे डाकू मुसल्लत कर दिए गए जो सारा कुछ लूट के खा रहे हैं, और क्या मिला उन्हें? ये जो इन्होंने रजीम चेंज की है, क्या किया है, ये सब कुछ लूट के खा गए हैं। यहाँ पे वोट करने वालों के लिए कोई आपका पैगाम? भाई खुदा का वास्ता है, इन चोरों से बचो, इन चोरों से बचें, और अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज करें, खुदा का वास्ता है, दोबारा इमरान को लेके आए। तो नाज़रीन PP158 से लोगों की राय जानी कि वो वोट किसे कास्ट करेंगे, अपने 17 जुलाई को देखना है कि शेर धारेगा या बल्ला चढ़ेगा। अलबत्ता यही उम्मीद कर सकते हैं, जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।